हो जाता है। हमारा से थर्ड रीजन जो आता है वो आता है हमारा एक्सटर्नलिटीज का, कि एक्सटर्नलिटीज जो है वो किस तरीके से फेल होती है या एक्सटर्नलिटीज की वजह से जो है किस तरीके से मार्केट फेल हो जाता है। देखिए एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए एक्सटर्नलिटीज को हिंदी में कहते हैं हम बाह्यताएं। बाह्यताओं का क्या मतलब होता है, बाह्यताओं का मतलब होता है जिसमें कि फर्स्ट पार्टी जो उस चीज का फायदा उठा रही है, सेकंड पार्टी जो उस चीज को प्रोड्यूस कर रही है, इन दोनों का कोई रोल नहीं होता, बल्कि थर्ड पार्टी उससे इफेक्ट होती है। थर्ड पार्टी इफेक्ट होती है और एक्सटर्नलिटीज को कहते हैं कि ये वो मार्केट इनफेक्ट मार्केट इम्परफेक्शंस है, कि मार्केट जो है वो फेल हो जाती है कोई भी प्राइस को ऑफर करने में, और वो उस प्राइस को ऑफर नहीं कर पाती जो उसे ऑफर करना चाहिए। जींस रंगाई की फैक्ट्री है और उससे बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और वेस्ट वाटर वो सीधा का सीधा नदी में डाल देती है, और नदी में डालने के बाद जो है उससे नदी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट उसको फोर्स करती है कि उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कॉस्ट अगर वो प्रोडक्शन में इंक्लूड करती है तो ये मार्केट एक्सटर्नलिटीज के अंदर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी तरह वो एयर पोल्यूशन कर रही है और एयर पोल्यूशन का कोई चार्ज हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते और उससे जो है बाकी लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो ये कर लाएगा एक्सटर्नलिटीज। प्रोफेसर हेबर्लर ने ये बोला था कि एक्सटर्नलिटीज जो है वो दो तरीके की होती है, पहली होती है मार्केट एक्सटर्नलिटीज और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज। मार्केट एक्सटर्नलिटीज जैसे हम बाजार अपूर्णताएं भी कहते हैं, मार्केट एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, मार्केट एक्सटर्नलिटीज वो चीजें हैं जिन्हें कि हम जो है वो प्राइस के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, या प्राइस के अंदर एक्सप्रेस करने के बाद उन्हें प्राइस में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज वो होती हैं जिन्हें कि गुड्स को प्रोड्यूस करते टाइम या बेचते टाइम उसके प्राइस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई जींस रंगाई की फैक्ट्री लगी या कोई पेंट की फैक्ट्री लगी, और पेंट की फैक्ट्री से बहुत ज्यादा पेंट से पानी प्रोड्यूस होता है, जहरीला पानी प्रोड्यूस होता है, और इसे हम हर नदी में मिला देते हैं या हिंडन में मिला देते हैं, जिसकी वजह से हिंडन जो है वो हमारी पोल्यूट हो जाती है। अगर हिंडन पोल्यूट हो जाती है और जो है गवर्नमेंट इसके लिए उसको बोलती है कि हर फैक्ट्री को नदी पोल्यूट ना हो इसलिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा, और वाटर को ट्रीट करने के बाद ही जो है पानी को नदी में छोड़ना होगा, तो ऐसे केस में इसका जो कॉस्ट है, मान लीजिए कि ये प्लांट लगाती है 5 लाख रुपए का और इसको हर साल रनिंग करने की कॉस्ट आती है 50,000 रुपए महीना, तो ये 50,000 रुपए महीना इसकी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो है ये कहलाएगा आपका मार्केट एक्सटर्नलिटी, जिससे कि हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि ये इंक्लूड हो जाता है। दूसरा आपका आता है नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज। नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, जिन्हें कि आप प्राइसेस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज यही फैक्ट्री जो है नॉइस पोल्यूशन करती है, या यही फैक्ट्री जो है वो आपका एयर पोल्यूशन करती है और धुआं छोड़ती है। अब किसने कितनी एयर पोल्यूट की, उसकी वजह से जो है आसपास में जितने लोग रह रहे थे उनकी हेल्थ को कितना नुकसान हुआ, इसका एस्टिमेशन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसका एस्टिमेशन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है हम क्या करेंगे कि इसको हम प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ये प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाता, तो इसे कहते हैं हम नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज। तो मार्केट और नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज में क्या फर्क है, मार्केट एक्सटर्नलिटीज वो है जिनको कि हम प्राइस में इंक्लूड कर सकते हैं, नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज वो है जिनको कि आप प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये मार्केट और नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज होती है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नलिटीज के इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए एक्सटर्नलिटीज के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है फेवरेबल जिन्हें हम पॉजिटिव इफेक्ट भी कहते हैं, एक होता है अनफेवरेबल जिन्हें हम नेगेटिव इफेक्ट भी कहते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी दो टाइम होते हैं, एक जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं। एक क्या होता है, सपोज कीजिए किसी पिछड़े इलाके में कोई फैक्ट्री लग जाती है, मान लीजिए वहां के कुछ लोगों की जॉब डायरेक्टली उस फैक्ट्री में लग जाती है, या वहां पर जो है विलेज के लोगों की आमदन उसे बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग उसकी वजह से उस गांव में आकर के बसते हैं
वो लोग उन लोगों की सब्जियां परचेज करते हैं, फ्रूट्स परचेज करते हैं, या फिर जो है वो चाय की दुकान लगा लेते हैं, उनकी दुकान पर आकर चाय पीते हैं, जिसकी वजह से उस विलेज के लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर उनके लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इसे कहेंगे पॉजिटिव इफेक्ट इस फैक्ट्री का। मान लीजिए यही फैक्ट्री जो है वाटर प्रोड्यूस करती है जो कि गंदा वाटर है, और इसको सीधा नदी में मिला देती है या तालाब में वहां के मिला देती है, या इस फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है और उसकी वजह से वहां के लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे केस में जो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ये कहलाएगा कि इसका एक्सटर्नलिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या हुआ। इसको आप कॉस्ट के अंदर नहीं मेजर कर सकते कि टोटल इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट कितना पड़ा, इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि दादरी में एनटीपीसी का जब प्लांट लगा, तो आप जानते हैं कि ये एनटीपीसी का प्लांट जो है कोयले से चलने वाला प्लांट है। कोयले से जब प्लांट चला तो डेफिनेट सी बात है कि एयर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन के साथ साथ इस कोयले से जो राख बननी शुरू हुई, वो राख जो है वहां पर हीप के रूप में इकट्ठी होती चली गई। जब हीप के रूप में वो इकट्ठी होती चली गई तो एक टाइम ऐसा आया कि राख के वहां पहाड़ के पहाड़ इकट्ठे हो गए। हवा के साथ वो राख उड़ती थी, लोगों के खेतों में जाकर बैठ जाती थी, लोगों के घरों में जाती थी, जिससे लोगों को साफ सफाई में दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये राख जो है वहां की हवा में घुल गई और लोगों ने जब फेफड़ों से इसमें सांस लेना शुरू किया तो उनके फेफड़े इससे इफेक्ट होने शुरू हो गए। थोड़े सालों के बाद ये बात समझ में आई कि एनटीपीसी के इलाके के बहुत सारे गांव जो है उसमें यूथ जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, और इम्पोर्टेंट होने की वजह से उसका बहुत नेगेटिव असर इन लोगों की हेल्थ के ऊपर आया। तो किसी एक्सटर्नलिटी का, यानी कि जो बाहर से फैक्ट्री आकर लगी, इसका नेगेटिव इफेक्ट कितना होगा और इसका पॉजिटिव इफेक्ट कितना होगा, इसको मनी में मेजर करना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह जब आप गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो भी एक्सटर्नलिटी का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। गुड्स कंजम्पशन के टाइम कैसे दिखाई देता है, सपोज कीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि आपकी कॉलोनी में या आपके गांव में कोई अच्छा कॉलेज इस्टेब्लिश हो जाता है, कोई IIT इस्टेब्लिश हो जाता है, या अच्छा हॉस्पिटल बन जाता है, गवर्नमेंट कोई अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल देती है, एम्स खोल देती है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट ये पड़ेगा कि आसपास का इलाका डेवलप हो जाएगा, हो सकता है जिस कॉलोनी में कॉलेज खुला हो वहां के बच्चों को बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस पर एट अ होम मिल जाएगी, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। हॉस्पिटल है तो आप जो है आराम से जो है वो हॉस्पिटल होने की वजह से आप आराम से जो है जाकर के वहां पर इलाज ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी, जिन लोगों को बहुत दूर पहले इलाज लेने के लिए जाना पड़ता था और सुपर स्पेशलिटी इलाज के लिए जाना पड़ता था। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद जब वो वहां डेवलप हो जाएगा इलाका, तो वहां पे ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक जाम होना कैसे शुरू हो जाएगा, आपने अपने कॉलेज का हाल देखा है कि किसी टाइम 80 साल पहले जब ये बना तो बिल्कुल जंगल के इलाके में था, लेकिन धीरे 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 वहां पर कॉलोनी बस गई। अब हालत ये है कि जिस दिन कॉलेज में कोई एग्जाम होता है तो वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाता है इतनी बुरी तरह कि कॉलोनी के लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई केसेस में क्या होता है कि लोग जो एग्जाम देने के लिए आते हैं वो ये पता ही नहीं कर पाते कि जो है उन्हें करना क्या है, और वो किसी भी घर के आगे गाड़ी को पार्क कर देते हैं। जब वो गाड़ी को पार्क कर देते हैं तो उसका उल्टा इफेक्ट ये होता है कि जो उस कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, बजाय उसको उस कॉलेज के पॉजिटिव इफेक्ट मिलने के, उन्हें नेगेटिव इफेक्ट मिलने ज्यादा शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी सिंपली एक केस हुआ कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा कॉलेज जो है वो कोरोना का क्वारंटीन सेंटर बनेगा और 400 लोगों का क्वारंटीन सेंटर बनेगा। इमीडिएटली पूरी कॉलोनी जो है उसके विरोध में आकर खड़ी हो गई कि अगर ये क्वारंटीन सेंटर बना, क्योंकि ये कॉलोनी के बीच में कॉलेज है, तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना पड़ेगा कि पूरी कॉलोनी में कोरोना फैल जाएगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है किसी एक्सटर्निटी का, चूंकि वहां पर वो है इसलिए उसका नेगेटिव इफेक्ट उनको मिला। इसी तरह जैसे सिगरेट स्मोकिंग होती है, तो सिगरेट स्मोकिंग वाला जब स्मोक को एमिट करता है तो उस स्मोक में जितने लोग भी सांस लेते हैं उसको वो इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है ये इसका अदर नेगेटिव इफेक्ट है। इसी तरह आपके घर, किसी के घर में मान लीजिए कोई फंक्शन होता है, किसी के घर में कोई जागरण होता है या किसी के घर में शादी होती है, वो देर रात तक जोर जोर का डीजे बजाता है,
जोर जोर का जब वो डीजे बजाता है तो क्या होगा कि उससे आपका अगले दिन एग्जाम है तो आपको परेशानी हो रही है, घर में कोई बीमार है वो सो नहीं पा रहा है उसको परेशानी हो रही है। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नलिटी के नेगेटिव इफेक्ट है, इसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, इसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ये उसका नेगेटिव इम्पेक्ट कहलाता है या उसका जो है नेगेटिव इम्पेक्ट होता है। तो एक्सटर्नलिटी हमें दोनों वे में इफेक्ट करती है, पॉजिटिव वे में भी इफेक्ट करती है और नेगेटिव वे में भी इफेक्ट करती है। अब आपको देखना ये है कि इसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट रखना है या नेगेटिव इफेक्ट। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे अगर इसके प्लस इफेक्ट ज्यादा है तो आपको वो प्रोजेक्ट लेना है, या उसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है आपको वो प्रोजेक्ट नहीं लेना है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये था कि एक्सटर्नलिटी के जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इम्पेक्ट कितने होते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है और ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि एक्सटर्नलिटी के क्या इफेक्ट होते हैं। ये देखिए ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड ली गई है और ओ वाई के ऊपर जो है वो वाई गुड का जो है वो प्राइस लिया गया है। तो आपको मालूम है कि सी पी जो है ये प्राइवेट कॉस्ट को दिखा रहा है, सी एस जो है वो आपका ये जो है ये नेगेटिव आपकी सोशल कॉस्ट को दिखा रहा है। आइडियल इक्विलिब्रियम जो होगा, आइडियल इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा जो है वो ई एस के ऊपर होगा। ई एस का मतलब है जहां पर की सोशल कॉस्ट है, इस वस्तु को बनाने की सोशल कॉस्ट ये है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, इसलिए कायदे में ये गुड इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए क्वांटिटी में और इसका प्राइस जो है वो पीएस होना चाहिए। लेकिन अगर ये गुड प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा तो प्राइवेट सेक्टर देखिए वो गुड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, क्यूपी क्वांटिटी में ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है और इसका प्राइस जो है वो कम रख रहा है, पीपी अमाउंट में प्राइस रख रहा है। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रही है तो जो ये सोशल कॉस्ट क्रिएट कर रही है, यानी इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है या वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उस कॉस्ट को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से इस गुड्स को केवल क्यूएस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए जिससे कि किसी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पेक्ट ना पड़े और इसका प्राइस भी हमें उस कॉस्ट को मिलाकर के पीएस रखना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर चूंकि इस कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करता इसलिए वो इसका प्राइस ईपी रखता है। तो ये शो करता है कि किस तरीके से एक्सटर्नलिटी जो है अगर वो मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट ना हो तो उसका प्राइस जो है कम हो जाता है और इस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको जीन्स का एग्जाम्पल दिया, जीन्स रंगाई की फैक्ट्री से जितना पोल्यूटेड वाटर निकलता है और वो जाकर के जितना हिंडन रिवर को पोल्यूट करता है, अगर उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना कंपलसरी कर दिया जाए और उसकी रनिंग कॉस्ट को इसके साथ जोड़ दिया जाए जो कि पीपी और पीएस के बराबर है, तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट बढ़ के पीएस हो जाएगी और इसका प्राइस बढ़ के जो है पीएस हो जाएगा। जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली गिर के क्यूएस हो जाएगी। चूंकि अभी ये फैक्ट्री जो है कोई भी इस कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रही है और पानी को सीधा जो है वो हिंडन के अंदर मिला देती है तो वो अपनी वस्तु का प्राइस कम रख रही है और इसलिए क्वांटिटी को ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है और इसलिए प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको ये बाध्य कर दे और अगर गवर्नमेंट इसको ये कहे कि आपको जो नेगेटिव इम्पेक्ट आप दे रहे हो या रिवर इसकी वजह से पोल्यूट हो रही है और वो पोल्यूट नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली जो है ये आपका डेफिनेटली इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और क्वांटिटी जो है वो इसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमें ये शो करता है कि एक्सटर्नलिटी की वजह से मार्केट क्यों फेल हो जाता है और एफिशिएंट अमाउंट में वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता और वो या तो कम अमाउंट में गुड को प्रोड्यूस करेगा या ज्यादा अमाउंट में गुड को प्रोड्यूस करेगा और इस तरीके से वो इनएफिशिएंसी ऑफ मार्केट को शो करेगा।